यस ऑफ कोर्स, आभी का भाई है राणा, राणा प्रताप एमटेक। नहीं सर, नहीं सर, सर इसमें कुछ गड़बड़ हुई है सर, मेरा भाई नहीं हो सकता सर। सर उसको कुछ नहीं मालूम है सर, वो तो पटाखों की आवाज से भी डरता है सर। कौन ये? क्या ये? क्या इसे भी देखो। मुझे यकीन नहीं होता सर। हाँ मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, ये कैसे इस तरह बन गया मेरी समझ से बाहर है। बट ऑल इंफॉर्मेशन आर लीडिंग, इट्स ट्रू। आप एक डीसी हैं, आपके पिताजी जज हैं, इस सब का फायदा उठाया उसने। बाकी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज बड़ी आसानी से उसने पिकअप कर ली है। सर नो सर, ए बेस्ट फ्रेंड मेक्स ऑलवेज ए वर्स्ट एनिमी। आप ही के घर में रहता है, आप ही के साथ खाता है पीता है, लेकिन आप उसे पहचान ही नहीं पाए। इट्स ए ब्रिलियंट मूव, इजंट इट? सॉरी मिस्टर राजशेखर, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आपके लिए भी ये सब फेस करना मुश्किल होगा। सो मिस्टर शर्मा ही इस केस को देखेंगे, अगर आप चाहें तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए। सॉरी सर, आई कैन फेस इट। सेंटीमेंट को छोड़कर मैंने ये यूनिफॉर्म पहनी है सर। आई विल गेट राणा विद इन आवर्स, डेड और अलाइव, जिंदा हो या मुर्दा भी राणा आपके सामने होगा। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे औजार से भरा हुआ ट्रक कमिश्नर के ऑफिस कैसे पहुंचा? बताओ, जल्दी बताओ, बोलो। मुझे नहीं मालूम। करने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ तुझे? चारों तरफ नाइंसाफी हो रही और मैं खामोशी से देखता रहा। ये नहीं हो सकता भाई, से बर्दाश्त नहीं होता ये। उसके लिए क्या तुम बंदूक उठाओगे? वही बंदूक तुम्हारी मौत का कारण बनेगी, तब क्या करोगे? छोड़ दो राणा, छोड़ दो, तुम अकेले किस किस को बचाओगे? अरे राणा, तुम मेरा दुख नहीं समझ पाओगे, डिपार्टमेंट ने तुम्हें निशाना बनाया है। प्लीज राणा, सरेंडर हो जाओ। हाँ मुझे कुछ हो जाएगा ये सोच के तड़प रहे हो, मगर दूसरों को कुछ हो जाएगा ये सोच के कोई नहीं तड़पता। उनका क्या होगा बताइए? ये तुम्हारा एक अपना घर है, माँ बाप हम सब तुम्हारे साथ हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा प्यार चाहिए, कोई मरे तुम्हें क्या? ए, मुझे मालूम है क्रिमिनल्स की जिंदगी कितनी बेकार होती है, अगर एक बार उस जाल में फंस गए तो वापस आना मुश्किल होगा। वापस आना भी नहीं चाहता, मेरी जिंदगी में कोई कानून मायने नहीं रखता, मैंने खुद अपने कानून बनाए हैं और मेरी मंजिल के आड़े जो कोई भी आएगा मैं उसका सफाया करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा भाई। मैं पुलिस ऑफिसर के नाते नहीं, तुम्हारे भाई के नाते बोल रहा हूँ। मुझे किसी की खैरात नहीं चाहिए भाई, मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, और मैं भाई के नाते नहीं राणा के नाते बोल रहा हूँ। राणा, भंडारी के भाई ने स्कूल के अटेंडर को मार डाला और वो तेरे बारे में पूछताछ कर रहा है। डोंट मूव। Oh!
कौन है? कौन है राणा? तू बता कौन है राणा? तुझे पता है कौन है वो? कौन है राणा? राणा, राणा, राणा! मेरे भाई की परवाह किए बिना पकड़ो उसे। हेलो, हे डीजी, राणा तेरा भाई है क्यों? उसने मार दिया, मेरे भाई को मार दिया। खून का बदला खून, मैं छोड़ूंगा नहीं। हेलो, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ए, कौन है? कौन है तू? तुम सबकी जान चाहिए मुझे, सबकी जान चाहिए। तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं, तुम्हारे घर में घुसकर एक एक खाता करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। कौन है तू? हेलो, क्या हुआ बेटा? जल्दी चलो यहाँ से। पिताजी, पिताजी, सुनिए, चलो जल्दी यहाँ से। डैडी आ रहे हैं। बस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया था। राणा बस अपने पिता को ही बचा सका और भंडारी कानून से बच नहीं पाया, उसे जेल हो गई थी। पिता का मन रखने के लिए राणा कहीं दूर गांव में जाके बस गया था, लेकिन वो गांव कहाँ है किसी को भी नहीं मालूम। राणा ने जनता की भलाई के लिए अपनों को खोया, अब आपके परिवार के साथ उसका रिश्ता जुड़ने जा रहा है। इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। यू आर वेरी लकी गर्ल, आपने बहुत पुण्य किया होगा तभी आपको ऐसे आदमी का साथ मिल रहा है। बस लग गया, गांव पहुंच गए। चलो वो बक्सा भी उठा लेना।
मर गया। पंद्रह साल हो गए बेटी, अब तक कुछ बदला ही नहीं, सब कुछ वैसा का वैसा है। सुन बेटिया, बचपन में पाठशाला जाने के बहाने यहीं पर आकर मैं कंचे खेला करता था। दादाजी कुछ बोलते नहीं थे? दादाजी कहाँ बोलेंगे, वो तो अपने ताश के पत्तों में मस्त रहते थे। पूरी फैमिली फ्रॉड है। बिटिया, मुंबई में राणा की पुरानी कहानी सिर्फ तुम जानती हो, ये बात यहाँ किसी को मत बताना, यहाँ तक कि राणा को भी, समझे? अरे छोटी मैम साहब भी साथ में आए हैं। अरे आप बिना बताए आगे साहब, आइए साहब सुनिए। अरे इनका सबको बुलाता है तू। अरे बोल के आता तो तू क्या करता, शराब पी के मेरे सामने नाश्ता झूमता और उसका पैसा मेरे से मांगता, रास्ता ना साहब आप यहीं रुकिए, मैं गाड़ी लेके आता हूं। अरे 10 कदम ही तो चलना उसके लिए गाड़ी का है को। अरे गांव में कदम रखाने के लिए उठना शुरू कर दिया। बिल्कुल भी ना डरिए, वो गुस्सा ना ही करेंगे, जो भी होगा हम देख लूंगा ना। बाहर आ रहे हैं, संभल के रहिएगा। क्या चाहिए तुमसे? कुछ अकेले में बात करना चाहती हैं। क्या बात करनी है? कुछ खास नहीं, अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, यहीं पे रहूंगी, घर में भी बोल दिया है। और कुछ कहना है? तुम्हें बताना चाहिए ना, इसीलिए घर पे सब लोग मान गए हैं, माँ और दादी बहुत खुश हैं। बस पिताजी। अरे पिताजी का सर फोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। वो भी मान जाएंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा। बात करने के लिए मामा जी को साथ लाई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे मिलने का, बात करने का मन किया, इसलिए मैं चली आई। बहुत टेंशन है, नींद भी नहीं आती। तुमसे मिलने का बहुत मन करता था, और तुमसे मिलते ही सब टेंशन वगैरह दूर हो गई। मामा जी भी बहुत मजाक उड़ाते थे कि बेटा इतनी ओवर स्पीड ठीक नहीं। मुंबई से कब आई तुम? आज ही। इसे ले जाओ यहाँ से। अब क्या हुआ? इसे ले जाओ यहाँ से जल्दी। कितनी आशा लेके आई थी। ले जाओ बोला। नहीं, नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरी बॉट नहीं लिखी है, मैं कभी नहीं मर सकता, सुना तूने? तू इससे टकरा जाऊंगा, मैं इंसान नहीं,
मैं हैवान हूँ, हैवान। ए, कितना बड़ा हैवान है तू? कितना बड़ा? मैंने बड़े बड़े हैवानों को देखा अपनी जिंदगी में। ये राणा एक आगे इससे टकराओगे तो जलकर राख हो जाओगे।